हेलो एवरीबॉडी, आपने भी यूट्यूबर लोगों को देखा होगा भाई साहब हेडशॉट कितना खतरनाक मारते मारते। आप देखो मेरे बैकग्राउंड में गेमप्ले देखो, कुछ इसी प्रकार का हेडशॉट मारते ना, मैं जैसे डेजर्ट ईगल के हेडशॉट मार रहा हूँ भाई साहब, एक भी मिस नहीं होगा, एक भी बिल्कुल। आप बैकग्राउंड में देखो बिल्कुल ऐसा ही गेमप्ले आपका हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लिया हो तो। आज के वीडियो में आपको ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिनके बाद आपका हेडशॉट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद आपके हेडशॉट भी बहुत ज्यादा लगेंगे। जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है वो है हमारे एम सेंसी पे। तो एम सेंसी अगर आपका कुछ जैसे आप हेडशॉट पे ले जाते हो किसी बंदे को, तो आपका एम थोड़ा बहुत हिल ढुल रहा होता है, अगर आपको लगे कि मेरा एम हिल ढुल रहा है तो आपको इसमें सेंसिटिविटी कम करने की जरूरत है कि आप थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी कम करके देख लेना। और अगर आपका एम कुछ इस प्रकार का छाती पे अटक जाता है और उसके ऊपर नहीं जाता और ऊपर जाता है एक आधा हेडशॉट लगता है, ज्यादा हेडशॉट नहीं लगता है, तो इसका मतलब है कि आपको सेंसिटिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको आपकी नॉर्मल सेंसिटिविटी कर लेनी है, फिर आपको थोड़ी बहुत नॉर्मल सेंसिटिविटी जितनी रहती है उससे एक दो सेंसिटिविटी को बढ़ा लेना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मॉनिटर में खेल रहे हो, कोई से भी मॉनिटर में खेल रहे हो, मोबाइल में भी खेल रहे हो, तो मोबाइल में भी ये टिप्स काम करेगी। अब जो हमारी थर्ड वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आएगी उसके अंदर भी तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो मैंने बताया कम ज्यादा करने का, इतना करने के बाद आपको थोड़ी देर ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। याद रखो ज्यादा नहीं थोड़ी ही करना है, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी आपको दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ इतना मूवमेंट हो रहा है, इतना कम ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, इसलिए। वरना आपके हेडशॉट की जो बात है सेंसिटिविटी से, तो वो ये तीन टिप्स फॉलो करने के बाद सही से लगेंगे। आपके हेडशॉट लगे या ना लगे सिर्फ आपको नजर बैठ जाए, उसके लिए आपको थोड़ी सी देर ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर लेना है। टिप्स थ्री की पहली कंडीशन ये है कि अगर आप क्लोज रेंज में रहो तो आपको रोटेशन ब्रेक मारना है, जो आपका माउस रहेगा उसको थोड़ा सा रोटेट करके मारना है। अभी देखो ये तो मेरे इसमें गूगल प्ले बिठाया तो इसमें फायर बटन दिखती नहीं है, लेकिन जो ब्लू स्टेक्स में खेलते हैं उनके इसमें फायर बटन दिखती है, तो उनका अगर आप बड़े यूट्यूबर का नोटिस गेम प्ले नोटिस करोगे तो उनके इसमें वो ड्रैग ही मारते हैं, मतलब जो रोटेशन ड्रैग रहते हैं ना वही मारते हैं, और रोटेशन ड्रैग सिर्फ क्लोज रेंज के लिए ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या पटापट हेडशॉट मार रहा हूँ डेजर्ट ईगल के क्लोज रेंज में, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उनको रोटेशन ड्रैग मार रहा हूँ। अब हमारी टिप्स थ्री की कंडीशन टू ये है कि अगर हम मिड रेंज में रहे तो मिड रेंज में रोटेशन ड्रैग भी काम में आ जाता है और हल्का सा स्ट्रेट ड्रैग भी। याद रखो जब आप मिड रेंज में रहो, जैसे कि मैं यहाँ पर मिड रेंज में, तो मैंने हल्का सा ड्रैग मारा इतने में उसको हेडशॉट लग गया। तो मिड रेंज में आपको थोड़ा सा हल्का सा ड्रैग मारना है और क्लोज रेंज में आपको रोटेशन ड्रैग मारना है। और अब बात करेंगे हम लॉन्ग रेंज की, तो लॉन्ग रेंज में तो आपको बहुत ही कम ड्रैग मारना है, लेकिन आपको ड्रैग जब मारना जब उसकी बॉडी पर रेड एम रहे। लॉन्ग रेंज में बिल्कुल सा हल्का सा बहुत छोटा सा हल्का वाला आपको इसमें ड्रैग मारना है, जो कि आपको भी नॉर्मली पता होगा। अब हमारी लास्ट वाली टिप्स एंड ट्रिक्स है स्मूथ एंड स्पीड ड्रैग। तो इस वाली स्मूथ एंड स्पीड ड्रैग स्पीड को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब यार कर दो भाई लोग प्लीज। पहले हम बात करेंगे स्पीड ड्रैग की। जब एनिमी आपके क्लोज रेंज में हो तब आपको बहुत ज्यादा फास्ट ड्रैग करना, मतलब जितना क्लोज में ना उतनी ही तेज से आपको उतनी ही तेजी से आपको इसको ड्रैग को फास्ट करना। अब आप जैसे मेरे क्लिप ऑन में भी आप देख पा रहे होंगे कि मैं जितनी क्लोज रेंज में रहता है उतनी फास्ट उसको मैं ड्रैग मारता हूँ अपने माउस को। क्लोज रेंज में आपको रोटेशन ड्रैग भी मारना है और फास्ट ड्रैग भी मारना है। और बात करूं मैं मिड रेंज की, तो मिड रेंज में आपको हल्का सा ड्रैग मारना है और उसके साथ रोटेशन ड्रैग भी मारना है। और फिर बात करूं मैं लॉन्ग रेंज की, तो लॉन्ग रेंज में आपको सिर्फ स्ट्रेट ड्रैग मारना है, वो भी उसमें भी हल्का सा ड्रैग, ज्यादा नहीं सिर्फ हल्का ड्रैग। अब हम बात करेंगे कि आपको स्मूथ ड्रैग कैसे मारना है। तो स्मूथ ड्रैग में क्या, जब आपके सामने बंदा आता है तो आप हड़बड़ा जाते हो और हड़बड़ाहट में बहुत ज्यादा गलती कर देते हो, तो उस टाइम पर आपको गलती नहीं करनी। और गलती की जगह आपको, जैसे कि आप मेरी इस वीडियो की क्लिप में देख सकते हो, आप मैं कितने आराम से मार रहा हूँ, वो बंदा मेरे पास आ गया, उसने मेरे ऊपर सोनिया भी लगा दिया, फिर मैंने उसको हेडशॉट मार दिया। अगर आपके सामने बंदा आ जाए तो आपको इस बंदे को प्यार से मारना है, इतने जल्दी जल्दी नहीं कि उसको फास्ट जाकर वन टैप मार दो, मूवमेंट दिखा के। जब आप नए नए होंगे तो आपको इतने अच्छे से मूवमेंट भी नहीं दिखा पाओगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका माइंडसेट। आपको जो हेडशॉट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करना, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है सीएस, क्योंकि बीआर में हमारी पीसी प्लेयर की मैचिंग नहीं लगती, इसलिए मैं सीएस का बोल रहा हूं। तो आपको सीएस में इसकी प्रैक्टिस करनी है और सीएस रैंक में ही प्रैक्टिस, सीएस रैंक में नहीं करनी है। आपको जरूरी नहीं है कि सीएस रैंक में करो, आप नॉर्मल सीएस में भी कर सकते हो, उसमें तगड़े प्लेयर आए और आपको सिर्फ मारना है हेडशॉट, चाहे लगे या ना लगे, आपके ऊपर सोनिया लग जाए, आप डाउन हो जाओ, कुछ भी हो जाए, तो भी आपको सिर्फ हेडशॉट मारना है। आपको ट्राई करना है सिर्फ हेडशॉट मारने के लिए, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एक आधा शॉट बॉडी का मार दूं, या फिर अगर सामने वाले बंदे को मैंने नहीं मारा या मैं ओनली हेडशॉट नंबर के चक्कर में रह गया तो मैं मुझे सामने वाला बंदा मार देगा, यही तो आपको माइंड सेट है। क्योंकि अगर आपके ट्रेनिंग में इतने अच्छे हेडशॉट को लगते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट रहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो वापस से अभी का भी रिवाइव हो जाऊंगा, लेकिन ये सीएस और बीआर रैंक में ऐसा नहीं होता है। इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है सीएस रैंक में या सीएस में किसी भी मोड में, लेकिन करनी है आपको ट्रेनिंग ग्राउंड को छोड़कर। और लोन वॉल्फ में भी नहीं करनी, क्योंकि लोन वॉल्फ में भी बहुत इजीली हेडशॉट लग जाते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस सिर्फ सीएस में करनी है और उसके बाद 5-6 दिन तक तो आपको करनी है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।